अष्टमी का दिन था, रात के 8:15 बज रहे थे, राजीव नगर थाने को सूचना मिली कि एक औरत को गोली मार दी गई है। राजीव नगर तुरंत थाना प्रभारी तुरंत वहां पर पहुंचे, औरत को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनीता देवी उर्फ मोना राय बताया। उसके द्वारा बताया गया कि मुझे अभी दो अज्ञात लड़कों के द्वारा गोली मार दी गई है, और गोली मारने के बाद वो लोग लाल रंग के अपाचे से थे और वो लोग भाग गए हैं। एक FIR दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए, कि ताकि इसका जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन हो सके। महिला की मृत्यु हो जाती है इन द कोर्स ऑफ टाइम, 5 दिन के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है, तो जो 307 का केस था वो मर्डर के केस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर पुलिस अपना काम कर रही थी, टेक्निकल एविडेंस हम लोग खंगाल रहे थे और आसूचना संकलन कर रहे थे, एक स्टोरी उभर कर आ रही थी, लेकिन हम लोग पहले कन्फर्म हो लेना चाह रहे थे, पहले शूटर को पकड़ लेना चाह रहे थे, उसके मुँह से स्टोरी सुन लेना चाह रहे थे कि क्या क्या है क्या नहीं है। इसीलिए हम लोग शूटर को के पीछे लगे हुए थे, और कल जाकर परसों शाम में शूटर है, इसका नाम है भीम कुमार, ये पिता मुन्ना सिंह साकिन भगवतीपुर थाना उद्वन नगर जिला भोजपुर आरा, इसकी गिरफ्तारी की गई है। जब हमने इससे पूछताछ की तो जो पहले हमें सूचना मिली थी उसको कन्फर्म किया इसने। कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि अनीता देवी और उर्फ मोना राय शादीशुदा औरत थी, इनका दो बच्चा भी है, पति भी है, पति काम करता है बोरिंग रोड के आसपास कहीं पे। इनका पिछले 9 साल से संबंध था एक राजू नाम के लैंड ब्रोकर है, जो कि फुलवारी शरीफ में रहता है। पहले मोना देवी भी वहीं रहती थी, तो वहीं अगल बगल में रहने के कारण उन दोनों की नज़दीकियाँ आपस में बढ़ी थी। धीरे धीरे पहले वो सिर्फ संबंध था जो चला आ रहा था इनके घर वालों को, मोना राय के घर वालों को और राजू ब्रोकर के घर वालों को, दोनों के संबंध के बारे में पता था, सब कोई 9 साल से एक साथ झेल रहे थे इस संबंध को। लेकिन इधर नया यह एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था कि यह सारा का सारा खर्चा मोना राय के परिवार का राजू ब्रोकर उठा रहा था, कैश भी दे रहा था, एक अलग से फ्लैट भी ले रखा था, उसका भी किराया दे रहा था, और हाल फिलहाल में उसने एक जमीन भी खरीदी थी मोना राय के नाम से। यह सब बात जो है राजू के अपनी पत्नी जो है, जिसका नाम है शारदा देवी, उसको यह पसंद नहीं आ रही थी, तो वो अपने ही एक रिलेटिव है उसका, एक सुदेश कुमार, उसको उसने इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।